हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हाँ तो चर्चा आज इस वीडियो पे इस पर करेंगे कि अगर आपने पूजन में नारियल रख रखा है, और कभी कभी होता है नारियल आपने कलश पे लगा रखा है या पूजा का नारियल रख रखा है, उस पर आप जल डालते रहते हैं तो धीरे से अंकुरित हो जाता है, या पूजन के उपरांत आप नारियल तोड़ते हैं। देखिए हमारे यहाँ जितनी भी पूजा होती है सभी पूजा में नारियल चढ़ाया जाता है। नारियल को श्रीफल कहते हैं, लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप है। और नवग्रह मंडल में देखेंगे तो नवग्रह की प्रत्येक रश्मियां इस नारियल में आपको मिलेंगी। शनि राहु केतु से चंद्रमंगल गुरु सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आपके नारियल में बीज बन गया है, आपके नारियल के अंदर एक बड़ा बीज बन गया, कहीं कहीं छोटे बीज बनते हैं, कहीं गोला आकार में बन जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका नारियल अंकुरित हो जाए। बहुत से लोगों के घरों में मैंने देखा है कि वो कलश पे नारियल लगते हैं और धीरे से अंकुरित हो जाते हैं, एक दो पत्ते तक निकल आते हैं। तो क्या इसका फल होगा, क्या समझना चाहिए, क्या संकेत है? हमारे यहाँ कण कण में ईश्वर का संकेत है, बस हम उसे समझने की दृष्टि नहीं पैदा कर पा रहे हैं। और दृष्टि अगर पैदा कर लें तो सृष्टि बदलने में देर नहीं लगेगी। तो ईश्वर का संकेत क्या कहता है? तो देखिए नारियल का जो स्वरूप है, आप ऊपर चलेंगे तो ऊपर के जो भाग हैं, ठीक है ना, जब तक नारियल पेड़ में उसकी जो डंठी है वहाँ पर, केतु राहु को लीजिए, उसके ऊपर से छिलका निकालना शुरू करते हैं, और शनि को आप ले लीजिए, उसकी जो कठोर परत है वो मंगल का प्रतिनिधित्व करती है। और जब नारियल पेड़ में होता है जो उसकी त्वचा होती है वो मरकरी का प्रतिनिधित्व करती है, और उसके जो भीतर का भाग होता है जिसको नारियल का गोला बोलते हैं वो जुपिटर का प्रतिनिधित्व करती है, माने गुरु का प्रतिनिधित्व करती है। उसके अंदर कि जब तोड़ेंगे जो सफ़ेद निकलता है वो प्रतिनिधित्व करता है शुक्र का, शुक्र जैसा ग्लो, शुक्र जैसी चमक। नारियल की तोड़ के देखिए ना कितना स्निग्ध लगता है। और जो उसके अंदर जल होता है वो चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा पिंड स्वरूप में आ गया है, या चंद्रमा शुक्र का संयोजन हो के चंद्रमा शुक्र दोनों साथ मिलके गुरु के शरण में जाके बीज का काम कर रहे हैं। गुरु कौन होता है आपकी कुंडली में? संतान देने वाला गुरु होता है, धर्म देने वाला गुरु को जीव कहा जाता है। तो अगर गुरु के संसर्ग में आके जीव प्रकट हो गया है, माने उसमें अंकुर आ गए हैं आपके घर में रखे हुए नारियल में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर? तो तीन तरह से इसको आप देखेंगे। पहले तो छोटा सा अंकुर बन गया है, छोटा सा मतलब उसके अंदर नारियल के अंदर एक बीज जैसा बन गया है। तो बीज जैसा बन गया मतलब है कि अब आपका जो चंद्रमा है, जो भावना है, वो भावना आपको जो मार्ग प्रशस्त कर रही है, मतलब चंद्रमा और शुक्र, शुक्र और चंद्रमा दोनों मिलकर मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, अर्थात आपकी माता और आपकी स्त्री, घर में जो मातृपक्ष है उसकी जो सलाह है वो आपके जीवन को नई दिशा और दशा दे सकती है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह की ओर आप बढ़िए, विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। अगर आप विवाहित हैं तो अपने अगर नया काम करना चाहते हैं तो माँ के नाम पे या जीवन संगनी के नाम पे कार्य करें, वो आपको भाग्योदय देगा। बीज अगर बड़ा हो गया है तब वो बताता है कि आप जीवन माने परिणय के सूत्र में बन चुके हैं, और अब आपके जीवन की जो बागडोर है उसको आप जीवन संगनी के हाथ में दे दीजिए, माने जीवन संगनी के वचनों को मान के कार्य करिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन साथी हमें इतना बढ़िया सजेशन देते हैं जो बहुत कारगर होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे इनकी बात क्यों माने, हम किसी और से पूछ लेते हैं। यहाँ पे ये इंगित करता है कि आप अपने भावनाओं को अपने पत्नी को सुपुर्द कर दीजिए, जीवन पत्नी दा सेंस जीवन साथी को सुपुर्द कर दीजिए, और जीवन साथी जो है उसको निर्णय जो आपको देगा वो पूरा आपको एक लक्ष्य तक ले जाने वाला है, एक गोल बना के दे रहा है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों उसको पिंड रूप प्रदान कर रहे हैं। तो वहां से आपको लक्ष्मी का मार्ग माने आपके व्यापार का मार्ग, आपके नौकरी का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अब तीसरा चरण क्या होता है कि ये शुक्र और चंद्र दोनों मिलके गुरु के शरण में जाते हैं, और तीनों का जो संयोजन होता है, तीनों का संयोग होता है, वहां से बीज निकलता है, वृक्ष उस पौधे सॉरी उस नारियल में से एक शाखा निकलती है जो बीज का काम करती है। आप कह सकते हैं नारियल पल्लवित हो रहा है, तो अब पौधे का स्वरूप धारण कर रहा है। ये क्या कहता है? शुक्र चंद्र गुरु। अब आपके घर में आपका जो नया आगंतुक है, आपके घर में जो नया बच्चा है,
वो आपके घर में लग्जरियस आइटम या सुख सुविधा की सामग्रियों का कपाट खोलने के लिए आ रहा है, कुल दीपक योग लेके आ रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आपके घर में आने वाले संतान आपका और आपके परिवार का भाग्योदय लेकर आ रही है, ये इस बात को इंगित करती है। तो अगर आपके घर में आपके नारियल के अंदर बीज निकलता है तो इसका ये मतलब है, गोले के अंदर गोला निकलता है तो उसका भी मतलब मैंने बताया, और नारियल में नारियल अंकुरित हो जाता है मतलब है कि आपके घर में आने वाली संतति आपके भाग्य के दरवाजे को खोलने के लिए आ रही है, आपके घर में कुल दीपक योग बनाने के लिए आ रही है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिए। फिर चर्चा करते हैं इसी महत्वपूर्ण यहाँ बिंदु पे, तब तक आप